हे गाइस आई एम वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो चालू करते हैं। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए जो बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका सेमेस्टर वन हो चाहे आपका सेमेस्टर टू हो, आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल होगी। लेकिन केवल उनके लिए एप्लीकेबल है ये वाली वीडियो जो कि जिनके पास मिल वाले सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके कंपलसरी वाली इकोनॉमिक्स है तो फिर उसके लिए बाद में कर ली जाएगी वीडियो, बाद में डाली जाएगी वीडियो। लेकिन अभी केवल उनके लिए चल रही है जिनके मिल वाली बुक्स हैं, मिल वाले सब्जेक्ट्स हैं। सिंपल बात है। हाँ जी, तो चालू करते हैं। अब कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना सीखना है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना सिखाना है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। हाँ जी, अब ये प्राइस और क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी भाई डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। आपने बचपन में सीखा था डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है। कैसे होता है? क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम, या फिर प्राइस घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। यानी कि दोनों देखो उल्टे 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 उल्टे, मतलब कैसा रिलेशन उनमें, नेगेटिव। और नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से, प्राइस और क्वांटिटी की वजह से, ये जो कर्व है डिमांड का, वो इस तरीके से बनता है। ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। अगर आपने डिमांड वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ भाई, इसके बाद आपने सीखा था बचपन में सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ऐसा होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा मिलते हैं तो जो सप्लायर है वो ज्यादा माल बेचना चाहता है, और अगर प्राइस कम मिलते हैं किसी चीज के तो जो सप्लायर है वो कम माल बेचना चाहता है। सिंपल है। तो ये एक जैसे या फिर उल्टे उल्टे हैं? बिल्कुल एक जैसे है। यानी कैसे है? बिल्कुल बराबर बराबर। अगर ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। यानी कैसे रिलेशन में, इनमें रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन। सिंपल बात है। इसी वजह से प्राइस और क्वांटिटी के साथ जब इसका रिलेशन दिखाते हैं तो फिर इनमें क्या सा रिलेशन दिख जाता है, पॉजिटिव रिलेशन। ये है आपका सप्लाई कर्व। अगर आपको समझ में आया, ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं पहले ही। हाँ जी, अगर आपने सप्लाई वाली वीडियो नहीं दी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, आज जाइए फटाफट से देख के आइए उसे। सिंपल भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं। अब इनकी हेल्प से हमें देखना है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है। आसान है। इससे पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे जाएं, आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन क्या होता है। हिंदी वालों के लिए संतुलन वर्ड यूज होता है इसकी जगह। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए संतुलन क्या होता है। तो संतुलन होता क्या है आखिर? संतुलन क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे एक सप्लायर का, सप्लायर मतलब बेचने वाले का दिमाग संतुलन में होता है, और खरीदने वाले का भी दिमाग क्या होता है, संतुलन में होता है। यानी कि उन्हें कभी भी लॉस में ना हो रहा हो। अगर उनको लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर तो फिर उनका दिमाग संतुलन में नहीं रहता, या फिर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा संतुलन में हो जाता है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो एक ऐसी पोजीशन जहां पे सप्लायर और डिमांड, मतलब कि डिमांड करने वाले लोग, कंज्यूमरों का डिमांड कर्व, दोनों ही क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आसान है भाई। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड करने वाले लोग और जो सप्लायर करने वाले लोग है, दोनों का ही दिमाग क्या रहता है, संतुलन में रहता है, बराबर रहता है, इक्वल रहता है। आसान है। हाँ जी, तो चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी हेल्प से देखिए, यहाँ पे शो करेंगे प्राइस और यहाँ पे शो करेंगे क्वांटिटी। आपको पता है जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो लोग डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं थोड़ी सी। यानी प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी होती है, जैसे ही प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आसान है, सिंपल बात है। हाँ जी, इसी वजह से डिमांड कर्व नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। यानी कि ऐसा ये रहा डिमांड कर्व। सिंपल भाई। हाँ जी, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। इसी तरीके से सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो सप्लाई भी ज्यादा होती है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। सिंपल बात है। हाँ जी, इसी तरीके से सप्लाई कर्व भी बनता है हमारा। ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अब मार्केट में कोई भी प्राइस फिक्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर मार्केट में हमने मान लो आंखें बंद करके ये वाला प्राइस फिक्स कर दिया। कौन सा प्राइस फिक्स कर दिया? ये वाला प्राइस फिक्स कर दिया कि हम इस प्राइस में बेचेंगे, इतने प्राइस में बेचेंगे, यानी जीरो से इतना ज्यादा। ये मान लो किसी चीज का प्राइस, जो नॉर्मली किसी चीज का प्राइस अगर 100 रख दिया हमने ऐसी, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस रख दिया, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे? देखिए ध्यान से क्या हुआ, मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो केवल इतनी चीजों की ही डिमांड कर रहे हैं। यानी कि इतनी चीजों की डिमांड कर रहे हैं, बहुत कम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इतने ज्यादा प्राइस पे एक सप्लायर क्या चाहता है, मेरे को बहुत ज्यादा प्राइस मिल रहा है इसलिए वो चाहता है कि मैं बहुत सारा माल बेचूं। इसी वजह से सप्लायर कितना बेचना चाह रहा है, सप्लायर इतनी सप्लाई करना चाह रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस इतना रखने की वजह से डिमांड करने वाले लोग यानी कंज्यूमर जो है वो इतनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई करने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कितना सप्लाई करना चाहते हैं, इतना सप्लाई करना चाहते हैं, यानी सप्लायर ज्यादा करना चाहते हैं। आसान है, इसलिए उन्होंने माल भी ज्यादा बनाया होगा। तो क्या सारा माल भी उनका बिक पाएगा? नहीं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है, कम है, लोग कम मांग रहे हैं, इस वजह से उनका सारा माल नहीं बिक पाएगा। इस वजह से उनका माल बच जाएगा, जिसको बोलते हैं अनडिजायर्ड स्टॉक। जिसे क्या बोलते हैं? अनडिजायर्ड स्टॉक। एक ऐसा स्टॉक बचा हुआ है जो जिसकी इच्छा ही नहीं थी। हिंदी वालों के लिए बोलते हैं उसे अवांछित, उसे बोलते हैं अवांछित स्टॉक।
ऐसा स्टॉक जिसकी इच्छा नहीं थी, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं अनडिजायर्ड स्टॉक या फिर बोलते हैं अवांछित स्टॉक। आसान बात थी, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा स्टॉक बच जाएगा जिसकी बचाने की इच्छा ही नहीं थी, हम बचाना नहीं चाहते लेकिन लोग मांग ही नहीं रहे, इस वजह से हमें बचाना पड़ रहा है उस स्टॉक को, वो स्टॉक बच गया बिना बचा हुआ माल है ये। आसान है भाई, हाँ जी, इस वजह से इनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर सोचिए आपने क्या किया, आपने थोड़ा कम प्राइस रख दिया, आपने कुछ ऐसा प्राइस रख दिया जहाँ पे क्या बोलते हैं लोगों को फायदा हो, यानी कि आपने प्राइस रख दिया किसी चीज का 10 रुपए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, डिमांड मतलब सप्लाई करने वाले लोग चाहते हैं क्योंकि कम प्राइस है, इस वजह से वो कम माल बेचना चाहते हैं, लेकिन जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो क्या चाहेंगे बहुत सारा माल खरीदना, क्योंकि चीजें क्या मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है। अगर आपने बहुत कम प्राइस भी रख दिया, सप्लाई करने वाले बेचना ही नहीं चाहते, सिंपल है, हाँ जी, और डिमांड करने वाले लोग चाहते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए उन्हें, सिंपल है, हाँ जी। इसी वजह से अभी भी इन्हें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसको लॉस हो रहा है, सप्लायर को। क्यों लॉस हो रहा है भैया, सारी चीजें तो बिक पा रहे हैं, डिमांड करने वाले बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन भाई वो सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, सारे कस्टमर को ग्रैब कर पा रहे, पकड़ पा रहे हैं सारे कस्टमर को, नहीं पकड़ पा रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्या है, बहुत कम है, और डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। अभी भी सप्लायर ये सोचेगा कि मेरा माल अभी भी कम बन रहा है, मैं चाहूँ तो और माल बनाऊँ जिससे मैं ज्यादा कस्टमर तक पकड़ पाऊँ, ज्यादा कस्टमर तक पहुँच पाऊँ, जिससे मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो। आसान है, हाँ जी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे अभी भी लॉस हो रहा है, लेकिन ये अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं बचेगा। आसान है, यहाँ पे इनका बस इन कस्टमर को नहीं पकड़ पा रहे, ये माल, ये दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से इन्हें यहाँ पे भी लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे दोनों को ही फायदा हो जाए, मतलब कस्टमर को भी फायदा हो और जो जितने लोग सप्लाई करना चाहते हैं उतने उसमें भी फायदा हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि जितने में लोग खरीदना चाहते हो उतने में ही सप्लायर उसे उतनी क्वांटिटी बेचना चाहे, तो वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, और डिमांड और सप्लाई बराबर कहाँ पे है, ये रहा डिमांड कर, ये रहा सप्लाई कर, दोनों कहाँ पे कुच्चू मुच्चू कर रहे हैं, वो इस जगह पे, यानी कि ये पोजीशन ऐसी बन जाती है, यहाँ पे क्या होती है, डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, इसी वजह से इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसे बोलते हैं संतुलन, सिंपल भाई। तो संतुलन क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आसान है, हाँ जी, इसी वजह से मैंने डेफिनेशन लिखवाई आपको, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज अ पोजीशन एच विद डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, यानी लोग जितना ही डिमांड करना चाहते हैं एक सप्लायर उतनी ही क्या करना चाहता है, माल बेचना चाहता है, तो उसे ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि मेरा ज्यादा माल बन गया या फिर लोग ज्यादा खरीदना चाहते थे मैं कम बेच पाया हूं, ऐसा उसे कभी भी नहीं लगेगा। आसान है, क्योंकि जितना लोग मांग रहे हैं वो उतना ही माल बना रहा है, तो दोनों ही सेटिस्फाई है, कंज्यूमर भी, कस्टमर भी और प्रोड्यूसर भी, सिंपल बात है, आगे चलते हैं। फिलहाल अब बात आती है भैया ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है। तो इस लेवल पे, जिस लेवल पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, इस लेवल पे जो भी प्राइस फिक्स किया जाता है मार्केट के द्वारा, जैसे प्राइस मान लो फिक्स हो गया 50 रुपए, तो जो भी प्राइस फिक्स किया जाएगा उसी प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है, ये इक्विलिब्रियम है। प्राइस तो बहुत सारे हैं इनमें से, लेकिन इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे जो भी प्राइस फिक्स होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी प्राइस बहुत सारे हैं लेकिन ये ही इकलौता है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इसी वजह से इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। ऐसे ही बिल्कुल सेम एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है, उस जगह पे जो भी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर होती है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वांटिटी तो फिर भी बहुत सारी है, ये सारी क्वांटिटी है भाई, सिंपल बात है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन भी यही लिखवाई है मैंने, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इट इज अ प्राइस विच, सॉरी भाई, इट इज अ प्राइस वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड किसके बराबर है, सप्लाई के बराबर है। ऐसे यहां पे इट इज अ क्वांटिटी वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, आसान है, एक ऐसी क्वांटिटी जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर है, कोई डाउट, आसान था भाई, हाँ जी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसी पे जो प्राइस फिक्स होता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसी पे जो क्वांटिटी फिक्स होती है उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोला जाता है, सिंपल था, आसान था, हाँ भाई। अब हम सीखेंगे आगे चल के कि डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड अगर घट जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फटाफट से जिसको नोट करना है, कुछ खास है नोट करने के लिए है नहीं, तो आगे चलते हैं भाई अगली टॉपिक पे। हाँ भाई, तो अगला टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि अगर डिमांड या फिर सप्लाई कर्व शिफ्ट करते हैं, यानी कि कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला टॉपिक है, या फिर पूरा इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वो पूछ रहा है।
जो हमने तीन पोजीशन बताई है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड कर्व या फिर सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है। सिंपल है, अब चालू करते हैं फटाफट से, ध्यान से समझ रहे, छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी ज्यादा लेंथी नहीं है। हाँ जी, तो चालू करते हैं, तो शिफ्ट की बात करते हैं। पहले मैं खाली लेके चल रहा हूं, अगर डिमांड में शिफ्ट होता है, किसमें शिफ्ट होता है, डिमांड में केवल शिफ्ट होता है अगर, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर डिमांड में शिफ्ट होता है भाई, तो इससे बस दो ही केस बन सकते हैं, बस दो ही केस। क्या केस बनेंगे? पहला केस बन सकता है या तो डिमांड बढ़ जाए, या फिर दूसरा केस बन सकता है डिमांड क्या हो जाए, घट जाए। सिंपल, डिमांड या तो बढ़ जाएगी या फिर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, आपको पता है इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम। सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं आराम से ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, ये रहा आपका डिमांड कर्व और ये रहा आपका सप्लाई कर्व, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ मुच्चू करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम। और यहीं पे जो प्राइस फिक्स होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहीं पे जो क्वांटिटी फिक्स होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आसान है भाई? हाँ जी, ये रहा इक्विलिब्रियम और ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे दोनों चीजें बराबर होती है, डिमांड बराबर होती है किसके, सप्लाई के। सिंपल है। हाँ जी, अब वो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो वो किस साइड जाएगी, वो राइट की साइड जाएगी या फिर लेफ्ट की साइड जाएगी। ध्यान से देखना, ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है, अगर ये इस साइड आ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, जीरो हो रही है धीरे धीरे, यानी डिमांड कम हो रही है। यानी कि अगर डिमांड को बढ़ाना है तो आपको किस साइड ले जाना पड़ेगा, उसे उसे राइट की साइड ले जाना पड़ेगा। तो सोचिए अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो राइट की साइड जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो डिमांड बढ़ के ये हो गई, यानी कि डिमांड बढ़ के D1 हो गई। सिंपल है, इससे हमारे इक्विलिब्रियम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। अब पहले देखिए, डिमांड ये रही, सप्लाई ये रही, दोनों कहाँ पे काट रहे थे, इस पोजीशन पे काट रहे थे, इसलिए बोला था हमने इक्विलिब्रियम। आसान? हाँ जी, अब देखिए, अब क्या है, सप्लाई तो यही है लेकिन जो डिमांड है वो यही नहीं है, इस वाली नहीं है, अब कौन सी बन चुकी है, D1 बन चुकी है हमारी डिमांड, यानी कि ये रही हमारी डिमांड कर्व। अब दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, देखिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व काट रहे हैं ये वाला पॉइंट, दिख रहा है, इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इस जगह पे काट रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट क्या बन गया आपका, इक्विलिब्रियम, वो भी कौन सा वाला, नया वाला, तो इसमें बोलूंगा EQ1, इक्विलिब्रियम 1। आसान है? हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहले नीचे था वो वहां से कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आसान है? हाँ जी, अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे से ऊपर चले जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। आसान है? इक्विलिब्रियम प्राइस ई से कहां पे चला गया, E1 पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले पी था वो कितना हो गया, P1 हो गया, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले EQ थी अब कितनी हो गई, EQ1 हो गई। आसान है? तो ये इंपैक्ट पड़ता है डिमांड कर्व बढ़ने से। आसान है? हाँ जी, डिमांड घटने से क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए ध्यान से, ये रहा डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, और ये रहा सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है, जहां पे काटते हैं इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये होता है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए डिमांड घट रही है, डिमांड घट रही है तो वो राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी, जाहिर सी बात है डिमांड कम हो रही है यानी कि वो जीरो साइड आएगी, जीरो की साइड आएगी, यानी किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, तो डिमांड को लेफ्ट साइड लेके आओ। तो ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड वाला। आसान है? डिमांड कर्व लेफ्ट साइड आ गया। सिंपल बात है, इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व पहले ये थे इसलिए इक्विलिब्रियम ये वाला बना था। अब देखिए सप्लाई कर्व तो यही है मगर डिमांड कर्व ये नहीं है, डिमांड कर्व कौन सा वाला है, ये वाला। तो दोनों कहां पे काट रहे हैं देखिए ध्यान से, क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ना, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कहां पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को। सिंपल है? हाँ जी, तो इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम नया वाला, यानी कि EQ1, और इसी पॉइंट पे जो प्राइस डिसाइड होगा वो P1 हमारा बन गया नया इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसी पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिसाइड होगी Q1 उसे बोलेंगे नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कोई डाउट? हाँ जी, इससे इफेक्ट क्या पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई, और इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम जो था पहले EQ वो ऊपर था, अब कहां पे आ गया, वो नीचे आ गया। कोई डाउट? आसान था भाई, बहुत अच्छे। तो ये था डिमांड पे अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा, शिफ्ट होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है, सोचिए अगर वो बोलता है शिफ्ट जो हो रहा है वो किसके अंदर होता है, वो होता है सप्लाई के अंदर। किसके अंदर होगा? सप्लाई के अंदर। तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई पे भी दो इफेक्ट पड़ेंगे, या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर सप्लाई घट जाएगी। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए इक्विलिब्रियम पे, ये रहा आपका डिमांड कर्व और ये रहा आपकी सप्लाई कर्व, ये जीरो, ये इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी जो फिक्स होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल है। अब वो कह रहा है सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सप्लाई अगर बढ़ेगी तो फिर वो राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी,
जाहिर सी बात है जीरो की साइड नहीं आएगी क्योंकि बढ़ रही है वो। हाँ जी, इस वजह से वो राइट साइड जाएगी। सिंपल बात है। अब राइट साइड जाएगी तो देखिए ये सप्लाई करवा है तो आपको ऐसे ही बनानी है, एक और सप्लाई करो बस वो काम बनानी है, राइट में बनानी है। तो मैंने बना दी सप्लाई कर्व वन, सप्लाई कर्व वन, आसान है। हाँ जी, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, देखिए एकदम प्राइस ये वाला था जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब देखिए डिमांड तो वही वाला है इस बार, लेकिन सप्लाई ये वाली नहीं है, सप्लाई ये नई वाली है। तो अब ये कहाँ पे काट रहे हैं, ये काट रहे हैं इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे। सिंपल भाई। हाँ जी, इस वजह से नया इक्विलियम कौन सा बन गया, ये रहा नया इक्विलियम। और नया प्राइस क्या हुआ, ये रहा नया प्राइस इक्विलियम वाला और ये रही नई क्वांटिटी इक्विलियम वाली। इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, इक्विलियम प्राइस तो कम हो गए लेकिन इक्विलियम क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। आसान था भाई। हाँ जी, ये इससे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। और इक्विलियम पे क्या इफेक्ट पड़ा, इक्विलियम नीचे तो आ गया मगर वो राइट साइड में है। सिंपल, आसान था, बहुत अच्छे। अब सोचिए अगर ये तो था सप्लाई बढ़ने वाला, अगर सप्लाई घटने वाला डायग्राम पूछ रहा है वो, तो सप्लाई घटने वाला मैं यहां से मिटो के मैं इधर बना देता हूं भाई थोड़ी, क्योंकि यहां पे जगह है। सप्लाई घटाने वाला डायग्राम बनाना है, सप्लाई घटाने वाला देखिए ध्यान से, ये डिमांड कर्व है आपका और ये आपका सप्लाई कर्व, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसे बोलते हैं इक्विलियम। यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होता है इक्विलियम प्राइस, यहाँ पे जो क्वांटिटी फिक्स होती है वो इक्विलियम क्वांटिटी जीरो। अब देखिए सप्लाई का घट रहा है आपका, कम हो रहा है सप्लाई, सप्लाई अगर कम होगी तो वो किस साइड जाएगी, जीरो की साइड जाएगी या फिर जीरो से दूर जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, सप्लाई कम हो रही है तो जीरो से साइड जाएगी, सप्लाई कम हो रही है तो जीरो की साइड जाएगी। सिंपल है ना। हाँ जी, तो हम जीरो की साइड लेके जाते हैं सप्लाई को, तो सप्लाई को घटाओ, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये थोड़ा इस साइड आ जाएगा, यानी कि ये बन गया मेरा नया सप्लाई कर्व S1। अब देखिए नया सप्लाई कर्व और नई मतलब जो डिमांड थी पुरानी वो कहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, वो काट रहे हैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को, यानी कि ये बन गया आपका इक्विलियम E1, नया इक्विलियम। और इसी प्राइस जो प्राइस फिक्स हुआ उसे बोलते हैं इक्विलियम प्राइस नया वाला, और इसे बोलते हैं न्यू इक्विलियम क्वांटिटी। आसान है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, इससे इंपैक्ट पड़ा प्राइस बढ़ गए और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया, वो कम हो गया। कोई डाउट, आसान था, कुछ पूछना है अभी तक, बहुत अच्छे भाई। तो मैंने डिमांड में शिफ्ट होने पे और सप्लाई में शिफ्ट होने पे दोनों में बता दिया, लेकिन सच बताऊं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों ही चेंज होंगे, यानी डिमांड भी चेंज होगी और सप्लाई भी चेंज होगी, वो भी एक ही डायग्राम में। तो चालू करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, बड़े 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 कंसेप्ट है यहाँ पे, डिमांड में और सप्लाई में दोनों में ही चेंज होना है एक साथ, वो भी सोचिए क्या क्या हो सकता है। डिमांड बढ़ सकती है एक तो, और इसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ सकती है। सिंपल है। दूसरा कंसेप्ट, डिमांड बढ़ सकती है, सप्लाई भी बढ़ सकती है। तीसरा कंसेप्ट, डिमांड बढ़ सकती है और सप्लाई भी बढ़ सकती है। ओ भाई साहब, मारा मास्टर था, पागल हो गया। तीनों एक ही कंसेप्ट है ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, ध्यान से, ये तीन कंसेप्ट है लेकिन तीनों के तीनों अलग है, मैंने तो सेम दिखे ना जी, एक ही है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें। कैसे अलग है देखिए ध्यान से, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन वाला कहेगा डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से। इसी तरीके से डिमांड बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड बढ़ रही है वो सप्लाई जो बढ़ रही है वो ज्यादा बढ़ रही है इस बार डिमांड से। डिमांड बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है, मगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, तब हमारे इक्विलियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। सिंपल, डिमांड और सप्लाई दोनों ही बढ़ रहे हैं मगर दोनों अलग अलग पोजिशन के हिसाब से। अब सोचिए पहले ये वाला करा देते हैं, ध्यान से समझना, ये डिमांड कर रहे हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि ये हो गया इक्विलियम हमारा, और इसी पे जो प्राइस फिक्स हो गया वो इक्विलियम प्राइस, और इसी पे जो क्वांटिटी फिक्स हो गई इक्विलियम क्वांटिटी, ये जीरो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। सिंपल भाई, आगे चलते हैं। अब क्या रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो दोनों को बढ़ाना है, तो वो जीरो साइड लेके जाऊं या फिर आगे लेके जाऊं जीरो से। बिल्कुल भाई, बढ़ाना है दोनों को, यानी कि दोनों के दोनों राइट साइड में जाएंगे। सिंपल है। लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन सी चीज बढ़ रही है, वो सप्लाई कर्व बढ़ रहा है, यानी कि सप्लाई को आपको ज्यादा बढ़ाना है और क्वांटिटी डिमांड को, मतलब डिमांड को आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। तो बढ़ाते हैं। अब सप्लाई बढ़ानी है, तो सप्लाई बढ़ानी है तो मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से बढ़ा रहा हूं मैं इससे इस साइड लेके जा रहा हूं, ये रही सप्लाई कर्व नया S1 बन गया सप्लाई, मैंने सप्लाई कर्व बढ़ा दिया। डिमांड कर्व बढ़ाना है मगर उसे थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं डिमांड कर्व को बढ़ा रहा हूं, राइट साइड जा रहा हूं, देख लो राइट साइड ही है मगर उसे क्या ले जा रहा हूं, बस थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बढ़ गया मेरा डिमांड कर्व D1। आसान है, देख लो डिमांड को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है जबकि सप्लाई को मैंने ज्यादा बढ़ा रखा है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब देखिए दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो थे पुराने डिमांड सप्लाई थे, लेकिन इस बार आपको देखना है नए वाले, तो नया वाला सप्लाई कर कौन सा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, और नया वाला डिमांड कर ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला नया डिमांड कर रहा है, तो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ना, यहां पे डिमांड कर नया और सप्लाई कर नए को देखना है, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट।
आसान है भाई। हाँ जी, इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पे जो प्राइस क्वांटिटी फिक्स होगी उसे बोलेंगे नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आसान है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो था वो प्राइस नीचे आ गया और क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बढ़ गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। किस वजह से? डिमांड बढ़ने और सप्लाई बढ़ने की वजह से, लेकिन सप्लाई के ज्यादा बढ़ने की वजह से। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से सोचिए, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ध्यान से। ये रहा डिमांड करो आपका, ये रहा आपका सप्लाई करो, जहां पे ये रहा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस फिक्स होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे ये रही क्वांटिटी इक्विलिब्रियम वाली। इस बार डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है मगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं डिमांड को ज्यादा बढ़ाता हूँ। ये मेरे को डिमांड मैंने ज्यादा बढ़ा दी, ये रही डी1, ये रहा डी1, डिमांड ज्यादा बढ़ी है। सप्लाई को थोड़ा कम बढ़ाना है, तो मैं सप्लाई को बढ़ा तो रहा हूँ मगर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो। हाँ जी, सप्लाई को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। अब देखिए क्या हुआ, ये रहा नया डिमांड और ये रही नई सप्लाई, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट बन गया आपका इक्विलिब्रियम, वो भी कौन सा वाला, नया वाला, इसी वजह से। और ये बन गया आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये बन गया आपका नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। आसान है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। बस यही कंसेप्ट था, आपको बस इतने से ध्यान देना था, बस उसके बाद टॉपिक खत्म। अच्छा, ये वाला रह गया, हाँ जी ये वाला रह गया। तो चालू करते हैं, डिमांड और सप्लाई अगर बढ़ रहे हैं लेकिन बराबर बराबर, तो देखिए ध्यान से, ये रहा डिमांड करो, ये रहा सप्लाई करो, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये रहा इक्विलिब्रियम, और ये रहा प्राइस इक्विलिब्रियम वाला, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम वाली। सिंपल भाई, हाँ जी। अब देखो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, तो मैंने डिमांड भी बढ़ा दिया जितना, और उतना ही मैंने क्या कर दिया, सप्लाई कर्व को भी बढ़ा दिया। आसान है, यानी कि इक्विलिब्रियम कौन सा बना, ये वाला, यानी कि इक्विलिब्रियम जो बनेगा, सॉरी भाई आपको ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा डिमांड कर्व गलत बन गया, ये रहा भाई डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। हाँ जी, तो मेक श्योर करना कि दोनों एक ही लाइन में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो होगा वो दोनों के दोनों, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा मगर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, देखिए डिमांड कर्व ये रहा, सप्लाई कर्व ये रहा, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि ये बन गया आपका नया इक्विलिब्रियम और यही रहेगा आपका नया प्राइस भी, बस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है, इसलिए प्राइस में चेंज नहीं होगा, खाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये कंसेप्ट है। इसके बाद चालू करते हैं अगला पॉइंट, जिसमें इसी के उल्टे हैं। चालू करते हैं अगला पॉइंट। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में देखिए, मैंने कर दिया डिमांड को उल्टा सारे में और सप्लाई को भी उल्टा। ऐसा नहीं, सारे वही वाले टॉपिक है, बस ये उल्टे वाले हैं। तो उल्टे वाले में क्या करना है, उल्टे वाले में देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना। मान लो ये रही आपकी डिमांड पहली, ये रही आपकी सप्लाई पहली, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ये हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम ये रहा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये रहा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये रही। अब देखिए क्या करना है, डिमांड को भी घटाना है सप्लाई को भी, मगर डिमांड को ज्यादा घटाना है, तो मैंने डिमांड को देखो इतना ज्यादा घटा दिया और सप्लाई को बस थोड़ा सा घटाया, तो इसलिए हमारी नई डिमांड ये बन गई और नई सप्लाई ये बन गई, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम कौन सा आ गया, ये वाला। इसकी वजह से यानी कि प्राइस क्या हो गए, ये वाले प्राइस हो गए नए और ये हो गई नई क्वांटिटी, इसकी वजह से प्राइस भी कम हो गए और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये इंपैक्ट पड़ने वाला है ऐसे केस में। अगर देखिए इस वाले केस में सप्लाई क्या होगी, ज्यादा कम हो रही है, अगर सप्लाई ज्यादा कम हो रही है, यानी कि सप्लाई यहां से कहां पे चला गया, इस पोजीशन पे चला गया। सिंपल बात थी, यानी सप्लाई ज्यादा कम होगी लेकिन डिमांड कितनी सी कम, मतलब एक सेकंड भाई, हाँ जी सॉरी, सप्लाई यहां से इधर आ गई, यानी कि इतनी ज्यादा कम हो गई, और डिमांड कर्व यहां से इधर आ गया, यानी कि थोड़ा सा ही कम हुआ है बस। तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रहा इक्विलिब्रियम और इस बार ये पहुंच गया, यानी कि प्राइस बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल बात थी, हाँ जी। यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ये डिमांड थी तो ये डिमांड यहाँ से इतनी कम हो गई, ये सप्लाई थी तो यहाँ से इतनी कम हो गई, दोनों बराबर ही कम हुए। सिंपल बात है, तो इक्विलिब्रियम पहले ये था, अभी ये इक्विलिब्रियम हो गया, प्राइस क्या हो गया, उतना ही है, बस क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। सिंपल भाई, तो ये होता है इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, अगर शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में या फिर सप्लाई कर्व में। सिंपल बात है, एक यूनिक सा टॉपिक है, हल्का सा थोड़ा सा अलग है, तो चालू करते हैं वो वाला टॉपिक। हाँ जी, हाँ भाई, तो चालू करते हैं अगला टॉपिक, जहां पे मैंने बोला था थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक कैसे है, फॉर एग्जांपल अब सोचिए, डिमांड कर्व अगर है आपकी इन्फिनिटी वाली, जिसका ईडी क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि आपका जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसका ईडी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सिंपल है, यानी प्राइस फिक्स होता है, ये आपका डिमांड कर्व है। सिंपल है, हाँ जी। अब इसमें क्या रहा है, वो अगर सप्लाई बढ़ जाए या फिर सप्लाई घट जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताइए। तो सोचिए ध्यान से, सप्लाई कर्व ऐसे होता है, ये वाला सप्लाई कर्व है, ये रहा ऐसा। अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस तो उतना ही रहेगा, बस खाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे हो जाएगी बढ़ के, अगर सप्लाई बढ़ गई तो।
आसान है भाई। हाँ जी, अगर घट जाएगी सप्लाई तो सप्लाई घट जाएगी तो फिर ये वाली हो जाएगी, मतलब सप्लाई घट गई S2 हो गई, S2 होने की वजह से जो क्वांटिटी है वो भी क्वांटिटी Q2 पे आ जाएगी, यानी क्वांटिटी भी घट जाएगी। सिंपल भाई। हाँ जी, इसी तरीके से अगर ED वाला होता हमारा जीरो वाला, क्या होता जीरो वाला ED क्या होता है, ये होता है आपका डिमांड कर्व, जहाँ पे बिल्कुल सीधा होता है, प्राइस में चेंज होता है मगर क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई कर्व मान लो पहले ये वाली थी S वाली, अब ये बढ़ जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, राइट में जाएगी, तो राइट में ले जाते हैं इसको, ये बन गई हमारी S1 वाली सप्लाई कर्व। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम तो वही है, पहले इक्विलिब्रियम ये वाला था, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये डिमांड है, ये सप्लाई है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वाली, यानी कि प्राइस ये वाला था, अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को, इस जगह पे, यानी कि प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सप्लाई अगर बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है तो मतलब लेफ्ट में आ जाएगी S2 लेफ्ट में आ गई है, लेफ्ट में आने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर चला गया, आसान है भाई, P2 इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर चला जाएगा, बस क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिंपल भाई। इसी तरीके से अगर सप्लाई होती है, सप्लाई अगर आपकी इन्फिनिटी होती है तो सप्लाई इन्फिनिटी का मतलब सप्लाई कर्व ऐसा हो जाएगा, समझ में आया, इन्फिनिटी वाला सप्लाई कर्व। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, मतलब डिमांड डी से कहाँ पे चलेगी, D1 पे चलेगी, डिमांड घट जाएगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डी से D2 पे आ गई तो डिमांड घट गई, बस यानी कि क्वांटिटी क्यू से Q1 जा सकती है कभी भी और क्वांटिटी क्यू से Q2 जा सकती है कभी भी, प्राइस पे कोई चेंज नहीं होगा, बस क्वांटिटी में चेंज होगा। सिंपल भाई। हाँ जी, जो इक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे था, अब वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा, या फिर इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल। हाँ जी, इसी तरीके से अगर आपका सप्लाई कर्व जो है वो है जीरो वाला, तो सप्लाई कर्व जीरो वाला ऐसा होता है, तो डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, ये रहा डिमांड कर्व, आसान है भाई। अब डिमांड बढ़ानी है तो डिमांड बढ़ानी है तो राइट में लग जाएंगे, तो डी से राइट में ले जा रहा हूँ मैं, ये बन गई भाई, राइट में ले गया मैं डिमांड कर्व को। हाँ जी, तो राइट में लग गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, वो ऊपर आ गया, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, प्राइस कहाँ पे था इतना, लेकिन अब इक्विलिब्रियम इवन हो गया, यानी कि प्राइस क्या हो गई, बढ़ गया किसी भी चीज़ के। सिंपल है। हाँ जी, अगर डिमांड को लेफ्ट में ले जाते हैं, कम कर देते हैं डिमांड, अगर डिमांड कम हो जाएगी लेफ्ट में आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि इक्विलिब्रियम 2 बन गया ये, तो प्राइस इतना हो जाएगा, बस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आसान है। हाँ जी, यानी कि यहाँ पे डिमांड अगर चेंज हो रही है, डिमांड कभी बढ़ रही है, डिमांड कभी घट रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड कभी बढ़ रही है, कभी डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन सप्लाई यहाँ पे इन्फिनिटी थी, सॉरी इन्फिनिटी यहाँ पे, वहाँ पे जीरो थी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वाले केस होंगे, जहाँ पे डिमांड और इन्फिनिटी बोल सकता है, या फिर सप्लाई इन्फिनिटी बोल सकता है, या फिर डिमांड जीरो हो जाएगी, या फिर सप्लाई जीरो हो जाएगी, और बोलेगा बाकी दूसरे पार्ट में चेंज बता दो, चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आसान है भाई। हाँ जी, तो ये सारे टॉपिक थे, इसके बाद आपका कंसेप्ट खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है इससे टॉपिक में, तो यहाँ पे खत्म होती है भाई आपका पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 जो भी था आपका, डिमांड सॉरी डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल बात है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर किसी को नोट परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, और अगर किसी को डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करो, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ चीज करके जाना, बाकी आपकी इच्छा है।